इससे पहले रुलाया तो ये अब लेके आ गई मुझे यहाँ। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी, आए हो बच्चे हो गए और हम बहनें भी बहुत बढ़िया। तो आजकल मेरे बहुत बहुत दिन बाद व्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रूम पे बैठे बैठे समझ नहीं आता क्या बनाए क्या बनाऊँ मैं। तो आज दीदी बना रही है मेरे लिए, नहीं अपने लिए, व्हाइट सॉस पास्ता। मेरे को तो स्नैप ब्रेड और जैम में कर दिया पैक क्योंकि मेरा वो खाने का मन था, इसलिए मजाक कर रही हूँ। तो मैं आज फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे को भी इसने अपने साथ हेल्प करवाने में लगवा दिया, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग ही बना देती हूँ व्हाइट सॉस पास्ता कैसे कैसे बनता है मेरे को क्योंकि पता ही नहीं है ये सब चीज़ें। फिर आपको भी बताती हूँ, मैं दिखाती हूँ। इसमें ना पता क्या होता है, सबसे पहले बटर डालो, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैदा डालो, मतलब एक चम्मच दो चम्मच थोड़ा सा ही डालना होता है ताकि ऐसा बन जाए। और फिर उसके बाद दूध डालो, ओरिगैनो डालो और चिली फ्लेक्स डालो, नमक डालो और देखो कितना। हाँ, जो वेजीज डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इंक्लूड इसमें। और इतनी टेस्टी फ्रेगनेंस आ रही है ना इसकी। और दीदी ने यहाँ पे ये पका दिए है। इसे मैंने ना कभी खाया भी नहीं, मेरी फ्रेंड मित्तू खाती है ये वाइट सॉस पास्ता, मेरे को पसंद ही नहीं आया तो उसके बाद मैंने कभी खाया नहीं। बट आज मैं भी ट्राई करूँगी कि कैसा है। इधर देखो पसीने से, ओ भाई कितना पसीना पड़ गया बेचारी ना, इतनी मेहनत। गाइस फटाफट हम हमारा पास्ता बने, अब थोड़ा सा इसमें पकने को हो गया फिर मिलते हैं आपको खाते वक्त। कोई कहता था कि मुझे ये पसंद नहीं है और अभी वो उसको चाट चाट के रख रही थी। ये वैसे बता कैसा बना है तूने, टेस्ट किया? चल अभी प्रॉपर इसको रैंड दे, बाद में करते हैं मैक्रोनी। रेड सॉस भी कभी ट्राई करेंगे। फिलहाल गाइस बन चुका है पास्ता, वाइट सॉस पास्ता आ चुका है हमारा पास्ता। अच्छा बना है जो फिर कल खाता है, बट मेरे को फीकी चीज़ें पसंद नहीं हैं तो ना नमक ना मिर्च, मतलब नमक है लेकिन मेरे को ऐसे सादा पसंद ही नहीं है। मेरे को स्पाइसी और मसालेदार वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है। क्या कर सकते हैं, हमें सादा पसंद है। हाँ तभी ये उन्हीं के लिए स्पाइसी पसंद नहीं है। चलो तो अब मैं तो खा रही थी अपना ब्रेड और जैम, उतनी देर में मैंने मिला दिया। अब हम बैठते हैं जो पढ़ाई करते हैं। सबको नहीं बता रहा होता कि मैं पढ़ती भी हूँ। अब अगर इसके बाद, वैसे ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं सोच रही हूँ कि अगर हम स्विमिंग करने गए तो, बाकी फिक्स नहीं है तब बताऊँगी जो भी बनेगा। दोनों बहनें लड़ गई और देखो बाद में दोनों रो रही है। इतना तेज प्याज, उफ। तो गाइज इतनी गर्मी से और यहाँ चले गई है लाइट और हमको समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो हमने सोचा फटाफट चलते हैं वाटर पार्क स्विमिंग पूल। तो हम लगे हैं अपने लिए कपड़े कटने स्विमिंग पूल के लिए, मतलब ना अगर कौन सा फैब्रिक सिंथेटिक फैब्रिक हो ना तो वो हम अपने भी ले जा सकते हैं, फिर वही 100 रुपए की टिकट होती है सारी, 100-200 रुपए की। चलो कर दिया, निकलते हैं हम और लाइट भी नहीं है, पसीना पसीना हो गए। बाकी देख ले, अच्छा हाँ रहने दे। तो गाइस हम हो चुके हैं तैयार और
चल बड़े हम भाई, गर्मी गर्मी अब लाइट तो फिर भी आ गई, लेकिन अब जब प्लान बन ही गया तो चलो चलते हैं आज फिर से दीदी जीजू के साथ। और पर्स में डाले हमने कपड़े, मैं इसी में नहाऊंगी और बदलने के लिए दूसरे की गई हूँ। लाल लाल से होगी मेरी स्किन। तो हमारी कैब आ चुकी है और अब हम चल पड़े। देखिए तो हम कैसे पड़ती हुई कैसे लग रहे थे, हमें इतने ऑन टाइम ना हमारा ऐसी रहता है मैचिंग, हम चाहते नहीं है कि मैचिंग और आना चाहिए। जी पहुंच गए हैं हम फिर से। देखो इसने मेरे को इससे पहले रुलाया तो ये अब लेके आ गई मुझे यहाँ पे। हाँ चलो जी जो अंदर जा नहीं रहे, पहले पीने में गिड़ा दे दिया। तूने नहीं पीना? चलो जी चलो। हाँ जल्दी जीजू के पीछे पीछे वॉशरूम में भी लड़कों की चल पड़ी। और ना एक कैप तो थी मेरे पास लेकिन दूसरी नहीं थी तो ये भी ले ली, सिंगल कैब भी 100 रुपीस की है। उससे अच्छा तो पूरी किट्टी है ना 300 रुपए की, वही तो नहीं लेती। नहीं ठीक है ना, तूने रोज रोज आना है, मेरे को नहीं लगता तुझसे तू मुड़ के आएगी। चलो ठीक है अब हम तैयार होते हैं, कपड़े बदलते हैं मतलब। तो आज देखिए आंचल दीदी को, पहले थे काजल मेरे साथ अब आंचल दीदी। अरे घुमड़िया, अरे घुमड़े अच्छे लग रहा है कुछ नहीं, याद देख आगे का देख। अरे फिर क्या फायदा, फिर तो वैसे भी पानी में ऊपर तो जाता ही है, ये अभी डाल रही है पीछे। ठीक है आगे ले, बस हो गया, चल ठीक है चलो। तो आज फोन दे रहे हम लॉकर में? नहीं चलो अच्छा। रीशु तो चल पड़े आगे स्विमिंग करते। कहाँ ले गया आईफोन? भाई पानी इधर को छिटक रहा है। Two thousand years later. कैसा लगा? हम आ चुके हैं फिलहाल, अब हम कर रहे हैं कपड़े चेंज और उसके बाद गए रूम को।